बाजी बंसल फिर मुखातिब हूँ आपसे हांसी की आवाज़ मीडिया पर। हांसी की आवाज़ मीडिया पर हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते रहते हैं, ऐसे शख्सियत से मिलवाते रहते हैं जिनका सामाजिक सरोकार होता है, राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने बहुत मुकाम हासिल किया, जिन्होंने आर्मी क्षेत्र में बहुत मुकाम हासिल किया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें मैं फौज का पुरोधा कहूँ, राजनीति में एक बहुत मुकाम हासिल करने वाला कहूँ, एक बहुत डायनेमिक डॉक्टर कहूँ, या एक सामाजिक सरोकार का, एक खाप पंचायतों का एक बहुत बड़ा नाम कहूँ, अतिशयोक्ति नहीं है। वो हैं जनरल डीपी बस राज्यसभा के सांसद, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। आज मुकाम ऐसा है, आज उद्देश्य ऐसा है कि एक डीपी साहब ने एक ऐसी प्रदर्शनी लगवाई नासिक शहर के अंदर जो बड़े बड़े शहरों में लगती है, स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे मौके पे वो पहुँचे हैं तो उसका हमें उद्देश्य बताइए। एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगवाई है जो आपके कर कपलों से हस्ते मुबारक से उसका आज उद्घाटन हुआ है, 3 दिन चलने वाली है। प्रदर्शनी का क्या नाम है और इसके एम एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? प्रदर्शनी का नाम तो रखा है राइज इन हरियाणा, मगर ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, 30 मिनिस्ट्रीज़ की जो तरक्की याफ्ता कदम हैं, जो तरक्की पजीर कदम हैं, जो प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में पब्लिक को और ख़ासकर स्टूडेंट तबके को, यानी कॉलेजेस और स्कूल के स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, यानी मेक इन इंडिया, बी इंडियन, बाई इंडियन और लघु उद्योग, बड़े बड़े जैसे प्रदर्शनी है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की। मगर जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा हांसी मेरा शहर है, हांसी में लगा हूँ मैं जी। उन्होंने ये भी कहा यहाँ 5-स्टार होटल नहीं है, ये वो एयर कंडीशन। मैंने कहा जहाँ एयर कंडीशन मिले वहीं लगा लो। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप तो सब लोग आए, साथ में स्कूल के बच्चों की भीड़ थी जी जी, और इनकी ओपनिंग के लिए यानी फीता काटने के लिए भी मैंने 2 MPs को बुलाया, सुनीता दुग्गल और चौधरी धर्मवीर सिंह, जुआनी महेंद्रगढ़ से MP और सुनीता सरसा से MP, और मैं राज्यसभा का पूरा हरियाणा। ये मैंने भी सोचा, पहले तो आइडिया आया मंत्री लोगों को बुलाया जाए, मगर हमने देखा कि मंत्री तो सारे अपनी अपनी विधानसभाओं में बिजी हैं, उनका तो अब इम्तिहान आ गया। तो हमने कहा कि भाई आज के दिन सबसे ज़रूरी और सबसे अहम आदमी MP हो गया है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में 30 बिलों को एक्ट में परिवर्तित करके इतिहास बना दिया। तो इन MPOs को मैं ऐतिहासिक MP कहूँगा, जो वोट डाल के आए हैं 3 तलाक को निरस्त करने में, 370 और 35A को निरस्त करने में, मेडिकल कमीशन को बनाने में, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बरतरफ निरस्त करने में, इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन 30 बिलों को एक्टों में तब्दील किया। तो हमने बड़ी तसल्ली से इनॉग्रेशन किया, इसलिए आपने प्रायोरिटी दी। हमने प्रायोरिटी दी कि MP ने खुद तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, अभी ये सब अभी तो इलेक्शन चल रही है, ऐसे हालात में स्कूल के बच्चों के लिए फिक्स होगी प्रदर्शनी। तो हमने कहा कि हम यहाँ MPs को बुलाएंगे, वैसे कोई निषेध नहीं है, MLA मंत्री आए, दे आर मोस्ट वेलकम, बट आई वांट हेड्स ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कॉलेज स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, मोटिवेट, वाइस चांसलर को बुलाऊंगा, और साथ में 3 MP आए जी, कल ब्रिजेंद्र सिंह आए थे, इसी तरह अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक गए हुए हैं हरिद्वार, और हमारे 3 MP जो मंत्री हैं वो बिजी हैं। तो मैं कम से कम MPs को भी यूँ बुलाया कि सारे हरियाणा में ये प्रदर्शनी करवाएं, ताकि बच्चों का उनका नो हाउ बढ़े, उनका उत्साह बढ़े। सर एक क्वेश्चन, इलेक्शन बिल्कुल मुहान है,
बिल्कुल अंतवर्ग में है प्रदेश का अध्यक्ष, इसको यानी कि चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, ये चुनाव बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। इंडिया राइज यानी कि ये एक सरकार की कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से क्या ये चुनावी प्रचार में नहीं है। अब जब जब आप हाँसी में आते हैं कोई ऐसा बढ़िया काम करवाते हैं तो यानी कि अन्य भड़कने लगते हैं कि बच्चा फिर आ गया हाँसी में। क्या कुछ ऐसा हाँसी मेरी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैंने छत्रपाल को ही बुलाया था यहाँ पे, वो भी आया था और हम पॉलिटिशियन तो जरूर हैं, अब एमपी हैं राज्यसभा के, प्रचार के लिए भी मैं हाँसी में आऊँगा, सारे हरियाणा में प्रचार करूँगा, मेरा दो जिम्मा पार्टी लगाएगी। और पॉलिटिशियन की जैसे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री कहे जाते हैं तो चाहे वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल दौरे पे हो पर उसे पॉलिटिक्स अटैच कर ली जाती है। मैंने तो एक बहुत बड़ी रैली भी की थी 2012 में, अपना आप रैली हो गई थी, तब भी पूछ रहे थे अगर मेरे को जो पार्टी जिम्मेदारी देती है मैं उसको बखूबी निभाता हूँ, तो मेरे को जिम्मेदारी बगैर इलेक्शन लड़ने वाली दे रखी है, यानी राज्यसभा का एमपी, वो भी मैं अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ था। तो अब भी जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, मगर इस प्रदर्शनी का मेन मकसद तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों को एजुकेट करना, उनको स्टिमुलेट करना रिसर्च के लिए, मोटिवेट करना। रही बात है इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक प्रदर्शनी का, अब ये कोई इंसिडेंटल है कि हमें जब प्रदर्शनी प्लान की गई तो हमें यूँ भी नहीं पता था कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन अलग अलग होंगे या पहले एक साथ, तो ये बाई चांस है। और इसमें एक अच्छा मैसेज अगर लेते हैं वोटर देख के, तो मैं ये कहता ही हूँ कि भाई माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक तो उनका विजन है और विजन के बाद एग्जीक्यूशन है जो बहुत ज़रूरी है, कि वो डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति को ज़मीनी लेवल पे एग्जीक्यूशन है, जैसे धारा 370 है इन्फोर्स करते हैं और बड़े बुलंद इरादे के साथ। तो मेरी की अपने भारतीय जनता पार्टी के एक डिसिप्लिन फोल्डर हैं या वफादार सिपाही हैं, उससे कोई पॉजिटिव मैसेज जाता है तो वो जाना भी चाहिए। ये थे डीपी बसा जिन्होंने 3 दिवसीय यहाँ एक विशाल काय प्रदेश एसी बैंकट हॉल है, बाहर बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, डिफरेंट यानी कि डिपार्टमेंट्स के अपने अपने वहाँ डिस्प्ले लगे हुए हैं। आयुष विभाग जो हरियाणा का बहुत बड़ा है, आयुष विभाग के बारे में बताइए कि ये क्या यानी कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ऐसी पद्धति से जो मिनिमम यानी कि पैसे से इलाज किया जाता है, यहाँ बड़ी स्टार मेडिकल साइंस जो है वो आयुर्वेदा से ही शुरू है जी। और किसी भी तरह की कोई भी दवाई हो, शुरू में तो पेड़ पौधों हर्ब से जड़ी बूटियों से चली थी, और जो कुछ भी हम खाते हैं चाहे केमिकल हैं चाहे जड़ी बूटियाँ, उसका खाए पिए का शरीर पर असर होता है। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो महर्षि चरक ने सर्जरी शुरू की जी जी सर, चरक सुश्रुत और धन्वंतरी वो मेडिकल साइंस के फोर फादर हैं। तो ये जो इनको सेपरेट सेपरेट कर रखा है, मैं कहता हूँ जिस साइंस में जो भी चीज़ अच्छी है उसको हमें अपना लेना चाहिए। हाँ, तो मैं इस बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन के हक में ज़्यादा नहीं हूँ, बहुत बड़े डॉक्टर सेपरेट लाइंस हैं, उसको आज के दिन मॉडर्न आउटलुक तो होनी चाहिए कि संस्कृति संस्कार के साथ आधुनिक नज़रिया, वो नज़रिया एलोपैथिक है, सभी का सभी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो आयुष्मान की जो प्रदर्शनी लगी है वो सिखाएंगे, और वो खास करके सिखाएंगे कि इस जड़ी बूटी की ये अहमियत। ये थे डीपी बसा जिन्होंने समय समय पर हाँसी को बहुत समय दिया, और हाँसी इनका गांव जो है हाँसी में ही आता है, इनके गांव के लिए भी भड़कता है, हाँसी के लिए भी भड़कता है, लेकिन स्वयं ये कहते हैं कि मेरी हाँसी से कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, अगर मुझे कोई फोर्स करेगा या ज़्यादा करेगा तो उसमें तो मैं इंडिस्पेंसिबल हो जाऊँगा, ये इनका कहना है।
बहुत साफ गोई से बच्चेवा किसी अपनी बात रखते हैं एक सुनचे हुए आर्मी पर्सनल रहे बहुत बड़े जनरल रहे डॉक्टर रहे इनके साथ हमने आज जो बातचीत की है मैं कहता हूँ कि हासिल मीडिया यही कहती है कि ईश्वर आपको वरदराज करे और आप यूँ ही कर्तियों को मुकाम को छूते रहें और आप इसी तरह देश सेवा में लगे रहें राष्ट्र सेवा में लगे रहें और ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी जो आपके माध्यम से जो आपके हंसते मुबारक से जिसका आज इनोग्रेशन हुआ है कि एक अच्छा संदेश लेके जाए मासिस इतनी बढ़िया बीबी साहब ने एक ऐसी प्रदर्शनी लगवाई है जिससे बच्चे मोटिवेट होके जाए हम आपका शुक्रगुजार हैं जुड़े रहिएगा मैं आपका मित्र हाँसी की आवाज़ हाँसी की आवाज़ ने हमें बहुत स्नेह दिया प्यार दिया मोहब्बत दी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमेशा याद रखिएगा हाँसी के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की लाजवाब पर्सनैलिटीज को हम आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे रूबरू करवाते रहेंगे लेकिन इस वादे के साथ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चले जाते हैं तेरी महफिल से हम अगर ये दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ।